हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग दुर्गा पूजा के अवसर पे रीजनिंग के बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर आया हूँ, जो कि एसएससी, रेलवे, बैंक सभी एग्ज़ाम्स में इस अच्छा खासा क्वेश्चन पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, उस चैप्टर का नाम होगा डेटा इनइक्वालिटी। जी हाँ, डेटा इनइक्वालिटी। फ्रेंड्स, ये चैप्टर इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पहले इससे क्वेश्चंस बैंक में ही आया करता था, लेकिन इसके ज़रूरतों को देखते हुए इसका क्वेश्चंस अब रेलवे और एसएससी में पूछे जाने लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से इस चैप्टर के सारी क्वेश्चंस को और इसके कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। आप दिल थाम के बैठे रहें और सारी क्वेश्चंस को वन बाई वन करके देखें। यहाँ पे इनइक्वालिटी में जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दो टाइप क्वेश्चन को इसके बारे में डिस्कस करूंगा। एक होगा सिंपल साइन और दूसरा होगा सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन। सिंपल साइन बिल्कुल आपको सिंपल दिखेगा, ग्रेटर देन, लेस देन है, इक्वल है, इस तरह से, और सिंबल्स में आपका नेमिंग किया हुआ रहेगा, लेकिन दोनों का बनाने का कंसेप्ट आपका एक ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक मैं बताता हूँ, उसके बाद हम लोग वन बाय वन करके क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैथ्स एंड रीजनिंग का सारा वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँचता रहेगा और आप इसका फ्री में फ़ायदा उठाते रहेंगे। और यदि आपको वीडियो देखने में अच्छा लगे फ्रेंड, तो आप मेरे लिए, इस चैनल के लिए एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट जरूर कर सकते हैं। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एडवांस में मैं आपको कहता हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया डेटा इनइक्वालिटी। जी हाँ, डेटा इनइक्वालिटी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो टाइप क्वेश्चन आएगा, टाइप वन टाइप टू करके आएगा। सबसे पहला आएगा टाइप वन एंड टाइप टू। टाइप वन एंड टाइप टू। टाइप वन में जो क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, वो आपको सिंपल साइन का यूज होगा। सिंपल साइन का नहीं मतलब हुआ, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं, सिंपल साइन होगा। और दूसरे में अगर हम टाइप टू के बारे में अगर हम बात करेंगे, इसमें सिंबल्स का यूज होगा फ्रेंड्स। टाइप वन में जो सिंगल सिंपल साइन है फ्रेंड्स, सिंपल साइन कहने मतलब है कि यहाँ पे देखिए, ये जो आपको साइन दिख रहा है, यहाँ पे जिधर दो पॉइंट होता है फ्रेंड्स, वो हम लोग क्या होता है, बड़ा होता है। और जिधर एक पॉइंट होगा उधर क्या हो जाएगा, ये छोटा होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलेंगे ये ग्रेटर देन है, मतलब हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे सिंपल साइन में ये हम लोग क्या है, ये बड़ा हो गया, और यहाँ पे ये आपका ये बड़ा या बराबर हो गया, यहाँ पे ये हम लोग का क्या हो गया फ्रेंड, तो ये हम लोग का ये बराबर हो गया। इसी तरह अगर हम इधर अगर बात करेंगे, तो ये हम लोग का लेस देन हो गया, लेस एंड इक्वल हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर देखा जाए, तो हम लोग का ये पांच तरह का साइन यहाँ पे आया है, और यही पांच साइन का जिक्र यहाँ पे भी होगा, ये आपका टाइप टू में आएगा। तो टाइप टू में क्या होगा कि यहाँ पे हर साइन के पीछे उसका नेमिंग किया हुआ रहेगा, जो कि क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, उससे हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे और क्वेश्चन को हम इजी वे में बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास लिखा रहेगा, सपोज दैट लिखा रहेगा डॉलर है, तो डॉलर का मतलब लिखा रहेगा, कुछ भी लिख सकता है, जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है। मान लीजिए डॉलर का मतलब लिखा है कि बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, तो बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं का मतलब हो गया बराबर हो गया। जैसे मान लिखा रहेगा कि यहाँ पे हैशटैग का मतलब लिख दिया है कि बड़ा है, तो बड़ा है दैट मीन्स बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग का ये एट द रेट का मतलब लिख दिया कि छोटा है, तो छोटा का मतलब छोटा हो गया। जैसे यहाँ पे हम लोग का ये एरो का मतलब लिख दिया है कि छोटा नहीं है, तो छोटा नहीं तो बड़ा या बराबर हो जाएगा। या फिर और कोई साइन हो सकता है फ्रेंड, जैसे मान लिया हम लोग का ये परसेंटेज दे दिया, और इसका मतलब लिख दिया है कि ये छोटा नहीं है, तो बड़ा या बराबर हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि ये जो साइन होगा ना, तो इसके पीछे वहाँ पे नेमिंग किया हुआ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हमको समझना है और हमको बनाना है। तो चलिए हम लोग फ्रेंड्स, ये जो दो टाइप क्वेश्चन है, टाइप वन टाइप टू, टाइप वन में हम लोग क्या देखा, सिंपल साइन का यूज होगा, जिसमें आपको ये ग्रेटर देन दिख रहा है, ग्रेटर एंड इक्वल है, बराबर है, छोटा या बराबर है।
यहाँ पे ये हर साइन का अलग अलग कुछ ना कुछ नेमिंग दिया हुआ रहेगा, जिसके हिसाब से हम फिगर को ड्रॉ करके क्वेश्चन को बनाएंगे। इसके लिए फिगर ड्रॉ करके क्वेश्चन बनाना सबसे बेहतरीन होता है। तो चलिए देखिए इसमें हम लोग फिगर को क्या ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड देखिए इन दोनों में जो कॉमन पार्ट होता है, कॉमन पार्ट क्या होता है, तो इसको मैं एक बॉक्स के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बॉक्स के कंसेप्ट को अगर आप समझ लीजिएगा तो टाइप वन हो या टाइप टू हो, दोनों क्वेश्चंस को आप एक ही कॉन्सेप्ट में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स के माध्यम से आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया है और इस बॉक्स में देखिए पांच साइन को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक साइन यहाँ पे लिखेंगे बीच में, दूसरा साइन यहाँ, तीसरा साइन यहाँ, चौथा साइन यहाँ, पांचवा साइन। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आएगा तो पांच तरह का साइन का यूज होगा, जो हम लोग इस तरह से मैं बता रहा हूँ। हालांकि हम लोग का टाइप वन में जो है साइन का इस तरह से बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इस तरह के बॉक्स हम लोग का टाइप टू में बनाते हैं, लेकिन दोनों को समझने का जो कंसेप्ट है वो एक जैसा है। आप समझ सकते हैं, आपको आसानी होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि बीच में जो वैल्यू होगा ना, इसको हमेशा लिखना है बराबर। बीच में क्या लिखेंगे फ्रेंड, तो बीच में हमेशा बराबर का वैल्यू को रखना है। बीच में क्या रखेंगे, बीच में हमेशा बराबर का वैल्यू को रखेंगे। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमेशा ग्रेटर देन का वैल्यू रखना है। क्या रखेंगे, ग्रेटर देन रखेंगे। यहाँ राइट कॉर्नर में ऊपर में अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर एंड इक्वल का वैल्यू रखना है। इसी तरह यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में नीचे में हम लोग का लेस देन का वैल्यू रखना है, और यहाँ पे ये जो है राइट में जो है नीचे में जो है लेस एंड इक्वल टू का वैल्यू रखना है। तो इस तरह से पांचों साइन को मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रेंड, जिसमें बीच में हमेशा याद रखें कि बराबर होगा। यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर में ग्रेटर देन, इसके जस्ट नीचे में लेस देन इसके, और राइट कॉर्नर में ऊपर में हम लोग का ग्रेटर एंड इक्वल हो जाएगा, उसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, लेस एंड इक्वल हो जाएगा। आप समझिएगा बात को कि यहाँ पे ये दोनों जस्ट एक दूसरे को अपोजिट होता है। ये दोनों क्या होता है फ्रेंड्स, ये अपोजिट होता है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है। यहाँ पे ये दोनों क्या है, जस्ट अपोजिट है, और यहाँ पे ग्रेटर एंड इक्वल है, और ये उसका अपोजिट है, लेस एंड इक्वल हो गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम लोग क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग क्या है, ये बीच में है बराबर। अब हमको है रिलेशन निकालना। देखिए यहाँ पे पांच तरह का साइन है और पांच रिलेशन हम लोगों को बनेगा। इस रिलेशन को समझ लेंगे, जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, आप क्वेश्चंस को इजी में बना सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए समझिए बात को कि यहाँ पे अगर हम मान लीजिए, यहाँ पे सबसे पहला चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए रिलेशन नंबर वन, एक नंबर रिलेशन में क्या होगा फ्रेंड्स, कभी भी अगर आपको ऐसा अगर मिले, यानी कि यहाँ पे अगर लिखा रहेगा कि ए ग्रेटर एंड इक्वल टू बी, अगर ऐसा अगर आपको कहीं अगर दिखेगा, इसका मतलब ये होता है कि ए जो है बड़ा भी हो सकता है बी से, और यह बराबर भी हो सकता है बी से। ठीक है, मतलब ये डबल मीनिंग पे चलता है फ्रेंड्स, ये डबल मीनिंग पे चलता है। यहाँ पे ऐसा केस अगर कभी अगर मिल जाता तो ये आयदर का केस में जाता है, मतलब हम बोलेंगे यहाँ पे डबल मीनिंग है, या तो ए जो है बराबर होगा बी का, या तो ए बराबर होगा बी का, या फिर हम बोलेंगे या फिर जो है ए जो है ग्रेटर देन होगा, ए जो है वो ग्रेटर देन होगा बी से। यानी दो चीज है, या तो ए बराबर होगा बी का, या ए जो है बड़ा होगा बी का। चूंकि यहाँ पे ये दो वैल्यू है, बड़ा है या बराबर है, दो वैल्यू है, इसलिए बड़ा बराबर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है। ये पहला चीज था। चलिए सेकंड नंबर समझिए। सेकंड नंबर में अगर कभी अगर हम बोले फ्रेंड्स, अब समझने वाली बात है। देखिए बीच का अगर किसी कॉर्नर के साथ अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो ध्यान रखिए कि हमेशा जो कोना में जो बैठा हुआ वो हमेशा पावरफुल है, वो हमेशा क्या है, पावरफुल है। जीत हमेशा उसी का होगा जो कोना में है। कहने का मतलब हुआ कि यदि अगर इसका कंपैरिजन अगर हम इसके साथ कर देंगे, या इसका कंपैरिजन हम इसके साथ कर देंगे, या इसके साथ कर देंगे, या इसके साथ करेंगे फ्रेंड, तो हमेशा याद रखिएगा कि जीत हमेशा किसका होगा, जो कोना में बैठा हुआ उसका। मतलब यहाँ पे हमेशा जीत हमेशा जो है वो कोने वाले का होगा। मतलब हम बोल सकते हैं फ्रेंड, देखिए समझिए, जैसे अगर हम मान लीजिए कि हम लिखते हैं कि ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन क्या है, बी है, यानी इसका इसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं हम, ए ग्रेटर देन बी है, और बी जो है वह बराबर है सी से। बी किसके बराबर है फ्रेंड, तो बी सी का क्या है, ये बराबर है। मतलब यहाँ पे बी और सी क्या है, बराबर है, और ए बड़ा है किससे, बी से। ए बड़ा है बी से, और ए बड़ा है बी से, और बी और सी क्या है, बराबर है।
तो ऐसे केस में क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे केस में हम बोलेंगे कि ए और सी में अगर हमको रिलेशन निकालना हो, ए और सी में अगर हमको रिलेशन निकालना हो तो हम बोलेंगे ये दोनों बराबर है, बी और सी क्या है बराबर है, बी और सी बराबर है। और देखिए बी से बड़ा कौन है, ए, तो बी से अगर बड़ा अगर ए होगा मतलब ये हुआ कि सी से भी बड़ा ए होगा। माना फाइनली अगर यहाँ पर अगर रिजल्ट देखेंगे तो ए जो है वह ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, सी से, यानी ए क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा सी से। अगर हम यहाँ पे ये बोलते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे अगर मान ले के यहाँ पे ये ग्रेटर देन ना रख करके अगर हम यहाँ पे लेस देन का वैल्यू रखते हैं, इस वैल्यू को अगर हम रखते हैं, इस वैल्यू को अगर रखते हैं, यहाँ पे ये वाला वैल्यू को रखेंगे, ये वैल्यू को अगर रखेंगे, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ ऐसे केस में समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे बी और सी क्या है बराबर है, बी और सी बराबर है, और बी जो है वह ए से क्या है फ्रेंड, तो ये बड़ा है। बी अगर ए से अगर बड़ा है मतलब ये हुआ कि सी भी जो है वह ए से क्या हो गया बड़ा हो गया, सी भी जो है वह ए से क्या हो गया बड़ा हो गया। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम बीच का कंपेरिजन अगर इससे किए तो हमेशा ये विनर हो गया, अगर बीच का कंपेरिजन अगर हम छोटा से कर रहे तो यहाँ पे क्या हो गया ये हम लोग का विनर हो गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि सी जो है वह बड़ा हो गया किससे, ए से, मतलब दूसरे शब्द में ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए जो है वह छोटा हो जाएगा किससे, सी से। यदि अगर हम फ्रेंड्स अगर यहाँ पे ये वाला साइन को अगर हम रख देंगे, यहाँ पे लेस एंड इक्वल अगर इस साइन को अगर हम रखेंगे, ऐसा अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डबल मीनिंग है, बी या तो ए से बड़ा होगा, बी या तो ए के बराबर होगा। तो यदि अगर हम बराबर का वैल्यू को अगर लेकर के चलेंगे तो ए और सी क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कन्फर्म हम बराबर नहीं रख सकते, यदि अगर हम b ग्रेटर देन a का वैल्यू अगर रखेंगे कि b ग्रेटर देन a है, तो b ग्रेटर देन a है और b और c क्या है बराबर है, मतलब क्या हुआ कि c जो है वह ग्रेटर देन हो जाएगा a, c ग्रेटर देन हो जाएगा a। तो कहने का ये मतलब हुआ फ्रेंड्स कि अगर कभी बीच का कंपेरिजन अगर किसी भी कॉर्नर के साथ अगर हम करते हैं तो हमेशा जीत किसका होगा, हमेशा कोने वाले का होगा, इस बात को हमेशा ख्याल में रखेंगे। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोग का जो है सी जो है, सी जो है, सी जो है बड़ा या बराबर हो जाएगा ए से, यानी ए से बड़ा या बराबर हो जाएगा कौन, सी, जिसका डबल मीनिंग है, या तो सी बड़ा होगा या तो सी जो है वह है ना ए के बराबर होगा। तो कहने वाला है कि बीच का कंपेरिजन किसी कॉर्नर के साथ करेंगे तो हमेशा रिजल्ट किसका निकलेगा, कोने वाले का। अब चलिए समझिए नंबर थ्री अगर हम लोग बात करेंगे, नंबर थ्री बात करेंगे फ्रेंड, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये दोनों ऊपर में अगर हम लोग आपस में अगर कंपैरिजन कर ले, मतलब ये दोनों में अगर हम रिजल्ट अगर निकालना चाहे कि इन दोनों में किसका रिजल्ट निकलेगा, या फिर अगर हम इन दोनों में अगर रिजल्ट अगर निकालना चाहे फ्रेंड्स इन दोनों में किसका रिजल्ट आएगा, तो हमेशा याद रखिएगा जो कन्फर्म वैल्यू है उसी का रिजल्ट आएगा। कहने का ये मतलब हुआ देखिए इन दोनों में क्या है कि ये ग्रेटर देन है और ये ग्रेटर एंड इक्वल है, तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर का बनेगा, रिजल्ट किसका बनेगा हमेशा ग्रेटर का बनेगा। जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं ये लेस एंड इक्वल है और ये क्या है फ्रेंड्स ये लेस है, तो लेस हमेशा रिजल्ट किसका बनेगा फ्रेंड, तो ये लेस का बनेगा, इस बात को हमेशा ख्याल रखेंगे। जैसे कोई आदमी अगर दो नाव पे अगर पैर रख रहा, एक कहावत भी है कि दो नाव पे पैर मत रखो, हमेशा एक नाव पे पैर रखो तो हमेशा मंजिल तक पहुंच जाएगा। दो नाव पे क्या होता है गिरने का चांसेस बनता है। तो कहने मतलब है कि यहाँ पे क्या है कि ये भी वही चीज है कि यहाँ पे ये क्या है बड़ा या बराबर है और यहाँ पे क्या है ये बड़ा है, तो रिजल्ट हमेशा पहले किसका आएगा तो बड़ा का आएगा। इसलिए याद रखिए कि हमेशा बड़ा बराबर और बड़ा में रिजल्ट हमेशा बड़ा का बनेगा। उसी तरह अगर इधर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये क्या है फ्रेंड्स ये छोटा या बराबर, और यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग का छोटा है ना ये हम लोग का, और इसी तरह से हम लोग नीचे में अगर हम बात करें फ्रेंड तो ये हम लोग का कन्फर्म छोटा है और ये हम लोग क्या है छोटा या बराबर है, ये हम लोग का छोटा या बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे रिजल्ट किसका बनेगा छोटा का बनेगा, छोटा का बनेगा। तो हमेशा याद रखें कि अगर इन दोनों अगर आपस में अगर टकराएगा तो जो कन्फर्म है उसी का रिजल्ट बनेगा, मतलब ये हम लोग का ग्रेटर देन कन्फर्म इसका रिजल्ट आएगा, इन दोनों में रिजल्ट हमेशा किसका आएगा छोटे वाले का आएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमेशा जो है अगर ए ग्रेटर देन बी अगर है, ए ग्रेटर देन बी है, और हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ बी बड़ा या बराबर अगर सी है ऐसा कुछ है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे डबल मीनिंग है, यहाँ पे बी जो है बड़ा या बराबर है सी से, अगर यदि अगर हम यहाँ पे बराबर के वैल्यू को अगर रखेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा बी सी, लेकिन बी से बड़ा कौन है ए है, तो बी से अगर बड़ा ए है मतलब क्या हुआ कन्फर्म ए जो है सी से बड़ा हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर हम लोग अगर इन दोनों में अगर बात करेंगे तो हमेशा ये जीतेगा और इन दोनों में हमेशा जो कन्फर्म है वो जीतेगा। मतलब रिजल्ट क्या आया फ्रेंड, तो रिजल्ट आया कि ए जो है वह कन्फर्म बड़ा हो गया। किससे बड़ा हो गया फ्रेंड, तो ये सी से हो गया। चलिए ठीक है, आगे देखिए नंबर फोर। नंबर फोर में क्या रिजल्ट बनेगा फ्रेंड्स, तो नंबर फोर हम बोलेंगे कि अगर ये दोनों अगर आपस में अगर देखा जाए, इसमें अगर रिलेशन निकालेंगे या फिर इसमें अगर रिजल्ट निकालेंगे, तो ये दोनों जस्ट ऑपोजिट है। ये दोनों क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, ये दोनों जस्ट ऑपोजिट दिख रहा है, ऑपोजिट दिख रहा है। ऑपोजिट कहने का मतलब हुआ कि देखिए यहाँ पे ये बड़ा है और यहाँ पे छोटा है, बड़ा छोटा है, और यहाँ देखिए ये ग्रेटर देन है और यहाँ पे क्या ये लेस देन है, ग्रेटर देन लेस देन। तो हम बोल सकते इन दोनों में हमेशा कभी भी कोई रिजल्ट निकलेगा ही नहीं। मान लीजिए फ्रेंड तीन दोस्त है ए बी और सी, मान लीजिए तीन दोस्त ए बी और सी है, और यहाँ पे मान लीजिए ए जो है वह बड़ा है सी से, ए बड़ा है सी से, और फिर लिखा गया कि ए जो है वह बड़ा है बी से। तो ऐसे केस में देखिए सी से बड़ा ए है और बी से बड़ा ए है, लेकिन बी और सी में कौन बड़ा है, छोटा है या बराबर है, इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी रिजल्ट फाइंड होने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ये दोनों जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन है, यहाँ पे कोई भी रिजल्ट फाइंड नहीं होगा। मतलब कभी अगर आपको अगर एक लाइन में अगर ऐसा दिख जाए कि ए ग्रेटर देन बी हो गया और यहाँ पे दिख जाए कि सी ग्रेटर देन ए हो गया, एक लाइन में अगर दो अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन कहने मतलब कि एक इधर ग्रेटर देन शो कर रहा है, एक उधर ग्रेटर देन शो कर रहा, या फिर एक इधर लेस देन शो कर रहा है, एक उधर लेस देन शो कर रहा, तो वैसे केस में कोई रिजल्ट फाइंड होने वाला नहीं है, इसमें कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ए और सी में, ए और सी में कुछ भी रिजल्ट फाइंड होने वाला नहीं है, ये रिजल्ट नहीं निकलेगा। और एक कंडीशन समझिए फ्रेंड्स, नंबर फाइव। नंबर फाइव क्या होगा कि यहाँ पे यदि अगर ये वाला साइन अगर इसके साथ अगर टकराएगा, इसके साथ अगर टकराएगा कोना कोने, ये वाला साइन अगर इसके साथ टकराता है, या फिर ये वाला साइन अगर इसके साथ अगर टकराएगा, तो यहाँ पे भी कोई रिजल्ट फाइंड होने वाला नहीं है। मतलब ध्यान रखेंगे, जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ए जो है वह ग्रेटर देन है फ्रेंड्स बी, ए ग्रेटर देन बी है, अब बी लेस एंड इक्वल टू सी है, तो ए और सी में यहाँ पे भी कोई रिजल्ट फाइंड होने वाला नहीं है। क्यों नहीं, आप समझिए बात को, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मान लिए बराबर का वैल्यू को अगर हम रखते, इस जगह पे अगर हम बराबर का वैल्यू को अगर रखेंगे, तो बराबर का वैल्यू रखेंगे तब क्या हो जाएगा फ्रेंड, तब ए जो है वह हम लोग का सी से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन कब, जब यहाँ पे हम इक्वल का वैल्यू रखेंगे तो। लेकिन अगर हम इक्वल अगर नहीं रखते, अगर यहाँ पे हम अगर सी को अगर ग्रेटर देन रख देते हैं, सी ग्रेटर देन बी से है और ए ग्रेटर देन बी से है, तो अब यहाँ ए और सी में कोई रिजल्ट फाइंड होने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स कि यहाँ पे अगर कभी अगर ऐसा साइन अगर मिल जाए कि एक बार ये ग्रेटर देन शो कर रहा और एक बार वो ग्रेटर एंड इक्वल टू शो कर रहा, तो ऐसे केस में यहाँ पे भी ए और सी में कुछ भी रिजल्ट फाइंड होने वाला नहीं है, तो फ्रेंड्स यही हम लोग का बेसिक कंसेप्ट है, जिसको हम लोग टाइप वन हो या टाइप टू हो, दोनों को इसी के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। हालांकि टाइप वन में इसका बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाला नहीं है, वो काफ़ी सिंपल होता है, जो कि रेलिवेंट एसएससी में आता है। हम लोग का टाइप टू जो है वो ज़्यादातर हम लोग का बैंकिंग में पूछा जाता है, लेकिन कब उसको रेलिवेंट एसएससी में पूछना शुरू कर देगा ये कहना मुश्किल है, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, तो आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आगे भी इन फ्यूचर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो कभी घबराने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए हम लोग, ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे आगे। तो फ्रेंड्स मैंने सुविधा के लिए बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखा हूं, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिख रहा है, तो चलिए एक एक करके मैं सारी क्वेश्चंस को डील करता हूँ। बस आप वीडियोस में एंड तक बने रहें, और यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टेटमेंट आपके पास दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक कोई एक ग्रुप दिया गया है, फिर यहाँ कॉमा दिया गया है, मतलब ये ग्रुप अलग है, फिर यहाँ से यहाँ एक ग्रुप दिया गया जिसमें तीन लेटर है, और फिर यहाँ कॉमा दिया गया, और यहाँ पर ये क्यू और वी का एक ग्रुप है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए, आपको कंक्लूजन के अकॉर्डिंग उसको ग्रुप को ऐड करना पड़ेगा, एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमको यहाँ पे फाइंड करना, पहला में
फर्स्ट में हम लोग को निष्कर्ष लिखा गया। देखिए स्टेटमेंट आपके पास ये दिया गया है, लेकिन ये आपके पास क्या है, ये आपको निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत है ये आपको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, हम लोग पहला जो निष्कर्ष है उसमें हम लोग को दो निष्कर्ष दिया गया, हो सकता है दोनों गलत होगा सही होगा क्या होगा, उसके नीचे में आपका ऑप्शन दिया हुआ है आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसे हमको लिखा गया टी और एस में रिलेशन निकालना है फ्रेंड, तो सबसे पहले आप देखिए टी आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको टी दिख रहा है, और एस आपको कहाँ दिख रहा है फ्रेंड, तो आपको एस यहाँ पे दिख रहा है, आपको एस यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे ये दो अलग अलग ग्रुप है, यहाँ पे एक ग्रुप यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप है और ये आपका ये दूसरा ग्रुप है, ठीक है। आपको टी और एस में क्या करना है, रिलेशन को फाइंड करना है। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों ग्रुप में कौन सा ऐसा लेटर है जो दोनों जगह कॉमन है। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे टी है, वी है, आर है, यहाँ पे एस है, ई है, क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक में अभी तक में हम लोग कुछ कॉमन मिला नहीं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स कि अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप में हम लोग क्या कॉमन आ रहा है, अगर आप इस ग्रुप के बारे में बात करेंगे, इस ग्रुप के बारे में बात करेंगे और इस ग्रुप के बारे में बात करेंगे, तो आपको कॉमन क्या दिख रहा है, तो बोले हम लोग क्यू है जो दोनों जगह कॉमन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्यू से कनेक्ट करते हैं हम लोग कहाँ पे, हमको जाना टी से एस के पास जाना है, तो क्यू से कनेक्ट करते हैं भी को कनेक्ट करेंगे फ्रेंड, तो क्यू से हमको फिर यहाँ एस मिल जाएगा, मतलब हम भी से कनेक्ट करेंगे और भी से फिर हमको इसको हम रिलेशन को निकाल लेंगे। चलिए आप देखिए समझिए, जैसे सबसे पहले हम लिख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हम ऐसा कुछ लिखना चाह रहे हैं, भी जो है बराबर है क्यू का। सबसे पहले हम इसको उठा रहे हैं देखिए यहाँ पे भी जो है फ्रेंड्स, भी जो है बराबर है किसका बराबर है फ्रेंड, तो यहाँ पे क्यू का बराबर है, क्यू का बराबर है, भी बराबर है क्यू, और देखिए क्यू से बड़ा या बराबर है ई, तो हम बोले क्यू से बड़ा या बराबर है कौन है, तो यहाँ पे ये ई दिख रहा है, और ई से बड़ा कौन है फ्रेंड, तो एस है, तो ई से बड़ा अगर एस है तो यहाँ पे हम किसको लिख देंगे, एस को लिख देंगे इस तरह से। देखिए अब हम ऐसा भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ भी दिख रहा है, अब भी जो है वो बड़ा है किससे, टी से, यानी यहाँ पे ये जो भी आपको दिख रहा है ये आपको बड़ा दिख रहा है, किससे दिख रहा है, टी से बड़ा दिख रहा है। तो आप यहाँ से आप बोल सकते हैं कि यहाँ देखिए आपको एस यहाँ पे दिख रहा है और टी यहाँ दिख रहा है, तो एस और टी में आप रिलेशन को निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या निकलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको टी दिख रहा है, यहाँ पे टी दिख रहा है, यहाँ पे एस दिख रहा है। देखिए अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिए ये ग्रेटर देन है या ग्रेटर एंड इक्वल है, तो ग्रेटर और ग्रेटर एंड इक्वल में वैल्यू ग्रेटर का आएगा, ये कंफर्म है। अब देखिए ग्रेटर का वैल्यू अगर हम बराबर से निकालेंगे तो भी हमेशा कोना वाला है, ये ग्रेटर क्या है, कोना वाला है ना, तो यही जीतेगा, यानी बराबर से भी जीत गया। और इसमें अगर हम रिलेशन निकालेंगे दोनों सेम चीज है, ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर, मतलब ग्रेटर ग्रेटर में ग्रेटर ही रहेगा। तो फाइनली रिजल्ट क्या आया इसका, इसका फाइनली रिजल्ट आया कि एस जो है वह ग्रेटर हुआ टी से, यानी एस जो है वह बड़ा हो गया किससे, टी से बड़ा हो गया। तो एस अगर टी से अगर बड़ा हो गया फ्रेंड, तो हम लोग को यहाँ पे लिखा कि एस जो है वह टी से बड़ा है, मतलब ये कन्फर्म मेरा क्या हो गया, सही हो गया, ये मेरा कन्फर्म क्या हो गया फ्रेंड, एक नंबर सही हो गया। अब चलिए सेकंड नंबर को हम लोग देखते हैं, एस और भी में रिलेशन निकालना है। देखिए फ्रेंड दोनों आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, भी दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है और यहाँ पे आपको एस भी दिख रहा है। आप चलिए बताइए कि भी और एस में क्या रिलेशन बनेगा, तो यहाँ पे लिखा गया कि एस ग्रेटर एंड इक्वल टू भी है। चलिए चेक करते हैं, देखिए भी एस यहाँ पे है, अब भी यहाँ पे, देखिए सबसे पहले इन दोनों में कौन सा वैल्यू आएगा फ्रेंड, तो हम बोलेंगे ये ग्रेटर देन आएगा, जो किसको बड़ा बता रहा है, एस को बड़ा बता रहा है। फिर देखिए इसका रिलेशन अगर हम इसके साइड फाइंड करेंगे तो इन दोनों में हमेशा वैल्यू ग्रेटर का ही आएगा, जो कि एस को क्या बता रहा है, ग्रेटर देन बता रहा है। मतलब फाइनली रिजल्ट क्या आया कि एस जो है वह ग्रेटर देन हुआ भी, एस क्या हो गया, बड़ा हो गया, किससे बड़ा हो गया, भी से बड़ा हो गया। लेकिन यहां पे क्या लिख रहा है, यहां लिख रहा है बड़ा या बराबर है, क्या बोल रहा है, बड़ा या बराबर है, मतलब ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये गलत हो जाएगा। मतलब इसका हम लोग बोलेंगे ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, यानी कि यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आया फ्रेंड्स, हम बोलेंगे ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, सिर्फ कंक्लूजन एक सही हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया गया फ्रेंड्स यहाँ पे भी हम लोग देखिए तीन ग्रुप है,
यहाँ पे तीन लेटर का एक ग्रुप है, यहाँ पे तीन लेटर का एक ग्रुप है, और यहाँ पे भी तीन लेटर का एक ग्रुप है। हमको कंक्लूजन निष्कर्ष हमको यहाँ पे दिया गया है कि भी ग्रेटर देन एस और भी ग्रेटर एंड इक्वल टू, है ना, भी ग्रेटर एंड इक्वल टू ई है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भी और एस में क्या रिलेशन बनेगा। फ्रेंड देखिए, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमको निकालना है एफ और एस में रिलेशन। तो एफ और एस देखिए, आपको एस यहाँ पे दिख रहा फ्रेंड्स, आपको एस यहाँ दिख रहा। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या फ्रेंड्स, हमको देखिए यहाँ पे एफ और एस में रिलेशन निकालना। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपको एफ दिख रहा है, यहाँ पे आपको एफ दिख रहा, और आपको एस कहाँ दिख रहा फ्रेंड, तो आपको एस यहाँ पे दिख रहा, आपको एस यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एस दिख रहा। तो यहाँ पे देखिए आपको इसमें इसमें कोई लेटर है फ्रेंड जो आपको कॉमन दिख रहा, हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ में हमको कोई भी ऐसा लेटर नहीं जो कॉमन है। तो चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स के देखिए, इसमें और इसमें हम लोग कौन सा लेटर कॉमन है फ्रेंड, तो हम बोलेंगे डब्लू, डब्लू जो हम लोग कॉमन है। डब्लू क्या दिख रहा फ्रेंड, देखिए यहाँ पे भी आपको डब्लू दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको डब्लू दिख रहा। तो डब्लू से पहले दोनों को लिंकअप कर देते हैं, उसके बाद हम लोग कहाँ तक जाना है, हमको जाना है एफ के पास जाना है। तो एफ तो खैर आपको यहाँ दिख ही रहा, एफ यहाँ पे दिख रहा, और यहाँ पे डब्लू आपको यहाँ पे, डब्लू यहाँ पे है। चलिए इसको अरेंज करते हैं, तो यहाँ यहाँ का एफ और यहाँ का डब्लू से हम लोग दोनों को लिंक करेंगे फ्रेंड। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, देखिए एस जो है, एस जो है, ये एस जो है फ्रेंड्स, ये एस जो है, तो एस से बड़ा या बराबर है, एस से बड़ा या बराबर है डब्लू, एस से बड़ा या बराबर कौन है, डब्लू है। डब्लू किसके बराबर है फ्रेंड, तो डब्लू के बराबर है, डब्लू जो है डब्लू बराबर है किसका, के का बराबर है। और के से बड़ा या बराबर कौन है फ्रेंड, तो के से बड़ा या बराबर है एफ। तो आप देखिए हम निकाल सकते हैं एफ और एस में अगर रिलेशन निकालना चाहेंगे तो हम बोलेंगे देखिए एफ यहाँ पे है और एस यहाँ पे, तो एफ और एस में क्या रिलेशन बनेगा फ्रेंड, तो बोलेंगे एफ जो है कंफर्म बड़ा होगा किससे, एस से। क्यों, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन है, इक्वल है, तो ग्रेटर एंड इक्वल में ग्रेटर देन होगा, और ग्रेटर का फिर हम लोग निकालेंगे ग्रेटर एंड इक्वल से, तो हम लोग का ग्रेटर का ही रिलेशन आएगा। मतलब क्या हो फ्रेंड्स कि एफ जो है कन्फर्म एस से बड़ा हो गया, मतलब एक नंबर कन्फर्म सही हो गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि भी और ई में रिलेशन निकालते हैं। भी और ई देखिए, आपको ई यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ई दिख रहा है, यहाँ पे आपको ई दिख रहा है, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको भी दिख रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं कि एफ अगर है, एफ अगर आपको यहाँ पे दिया गया है, एफ आपको यहाँ पे आप लिखे हैं, तो यहाँ पे एफ से बड़ा या बराबर कौन है फ्रेंड, तो डी है। इसी में हम लिंकअप कर देते हैं, इसी में हम लिंकअप कर देते कि एफ से बड़ा या बराबर डी है, एफ से बड़ा या बराबर डी हो गया, और डी से बड़ा या बराबर भी हो गया, डी से बड़ा या बराबर कौन हो गया, तो भी हो गया, डी से बड़ा या बराबर कौन हो गया फ्रेंड, तो ये भी हो गया। और आपको देखिए यहाँ पे एस किससे बड़ा है फ्रेंड, तो एस बड़ा है ई से, यानी एस जो है वो बड़ा है किससे, बड़ा है ई से। तो चलिए यहाँ पे अगर हम लोग रिलेशन अगर देखेंगे फ्रेंड्स, हमको निकालना है कि भी ग्रेटर एंड इक्वल टू ई। देखिए यहाँ से यहाँ में अगर हम लोग रिलेशन देखेंगे, यहाँ से यहाँ में फ्रेंड, तो हम लोग का यहाँ पे कोई रिलेशन बनेगा, तो हम बोलेंगे इस तरह से हम लोग का रिजल्ट बनेगा। क्या बनेगा फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग रिजल्ट देख सकते हैं फ्रेंड्स। ई और भी में अगर हम रिलेशन अगर देखना चाहेंगे, देखिए हमको रिजल्ट क्या निकलेगा, इन दोनों में ये ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर का इक्वल से कंपेरिजन करेंगे तो ग्रेटर ही आएगा, ग्रेटर का ग्रेटर से तो ग्रेटर ही रहेगा, ग्रेटर एंड इक्वल में ग्रेटर ही रहेगा, और ग्रेटर का अगर इससे कंपेरिजन करेंगे तो भी ग्रेटर ही रहेगा। कहने का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि ये जो वैल्यू है ये हम लोग का गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि हम लोग का ग्रेटर का अगर हम लोग ग्रेटर एंड इक्वल या हम लोग किसी से भी अगर हम ग्रेटर एंड इक्वल से कंपेरिजन करेंगे तो ग्रेटर आएगा, और ग्रेटर का बराबर से अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो भी हम लोग का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर ही आएगा। मतलब ये हुआ कि ये जो है हम लोग का भी जो है कन्फर्म बड़ा हो रहा है ई से, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि बड़ा है या बराबर है, इसलिए वैल्यू क्या है, गलत होगा। इसलिए बोलेंगे ओनली कंक्लूजन वन फॉलो होगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो होगा। इसी तरह फ्रेंड चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए थ्री में क्वेश्चन क्या लिखा गया फ्रेंड्स, बोला गया है ये हम लोग का कथन दिया गया है और हम लोग का ये निष्कर्ष दिया गया, हमको यहाँ पे लिखा गया एफ बराबर के और एफ ग्रेटर एंड इक्वल टू के। देखिए ऐसा आपको देखने से लग जाएगा कि यहाँ पे आइदर का केस बना सकता है, कन्फर्म नहीं है बट बना सकता है। देखिए ये दोनों लेटर आपको क्या रहेगा, बराबर रहेगा, दोनों लेटर आपका सिमिलर रहेगा, सेम रहेगा, और साइन जो है आपको या तो बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा या छोटा रहेगा बराबर रहेगा। ऐसा केस अगर कभी बनेगा तो आइदर का केस 90% होता है,
चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग, हमको एफ और के में रिलेशन निकालना है। देखिए एफ और के, देखिए एफ आपको यहाँ दिख रहा है फ्रेंड्स, और के आपको यहाँ दिख रहा है ना, आपको एफ यहाँ भी दिख रहा है और के आपको यहाँ दिख रहा है। देखिए एल से इसको लिंकअप कर देते हैं, ये दोनों को हम लोग उठा लेते हैं फ्रेंड्स। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एफ जो है, एफ जो है ये बड़ा या बराबर है एल से, बड़ा या बराबर है एल से, और एल जो है, एल जो है बराबर है किसका फ्रेंड्स, तो ये के बराबर है। एफ जो है बड़ा या बराबर है एल, और एल जो है बराबर है किसका फ्रेंड, तो के का बराबर। अब चलिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एफ और के में अगर हम रिलेशन अगर फाइंड करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ में जो रिलेशन अगर हम देखेंगे, तो रिलेशन क्या आएगा फ्रेंड, तो एफ जो है, एफ जो है बड़ा या बराबर होगा के से, एफ बड़ा या बराबर होगा के से, जिसका डबल मीनिंग होता है, जिसका डबल मीनिंग होता है क्या होता है, या तो एफ बराबर होगा के का, या तो एफ बड़ा होगा के से। यहाँ पे दो चीज आता है फ्रेंड्स, और आप यहाँ पे कंक्लूजन में देखिए, एक बार लिखा गया कि एफ बराबर है के, और यहाँ पे लिखा गया एफ, एफ जो है वो बड़ा बड़ा है किससे, के से, और यहाँ पे बराबर बड़ा रहेगा या बराबर छोटा रहेगा, तो यह आयदर का केस बनाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन को देख लेना है कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग ये इसका आंसर हो जाएगा आयदर। आयदर मतलब दोनों में से कौन सा कन्फर्म सही है हमको मालूम नहीं है, और ये हो जाएगा आयदर का केस, ये हम लोग का आयदर कहलाएगा आयदर, ये हम लोग का आयदर के केस बनाएगा फ्रेंड्स। दोनों में कंफर्म कौन सा सही है हमको पता नहीं है, मतलब बोलेंगे आयदर वन और कंक्लूजन टू फॉलो, यानी कि या तो कंक्लूजन एक सही होगा या तो कंक्लूजन दो सही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए, जिसमें हम लोग का एक स्टेटमेंट दिया गया है, जिसमें तीन लेटर का एक ग्रुप है, ये भी इसमें भी तीन लेटर का एक ग्रुप है, और इसमें भी तीन लेटर का एक ग्रुप है। हमको फाइंड क्या करना है फ्रेंड्स, हमको फाइंड करना है कि एस ग्रेटर देन पी, यानी कि ये सही है या गलत है, ये हमको चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं हम लोग एस और पी। देखिए आपको पी यहाँ भी दिख रहा, पी यहाँ भी दिख रहा, इन दोनों जगह में आपको पी दिख रहा, लेकिन पी का रिलेशन किसके साथ निकालना है, तो एस के साथ निकालना है। एस देखिए आपको यहाँ भी दिख रहा, एस आपको यहाँ पे दिख रहा, ठीक है, एस आपको यहाँ भी दिख रहा, पी आपको यहाँ पे भी दिख रहा, देखिए फ्रेंड्स पी आपको यहाँ पे भी दिख रहा। इन दोनों में एक लेटर है एल है, जो दोनों जगह में क्या है, कॉमन है, वहां से दोनों को लिंकअप करेंगे, तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि चलिए यहाँ पे हम पहले पी को लिखते हैं, यहाँ पे हम बोलेंगे पी जो है ग्रेटर देन एल से, पी जो है वह बड़ा है किससे फ्रेंड्स, ये एल से बड़ा है, पी बड़ा है एल से। अब देखिए पी और एस में अगर जाना है, तो एल जो है बड़ा या बराबर है एस, एल बड़ा या बराबर है एस, यानी हम बोलेंगे एल जो है बड़ा या बराबर है किससे है, एस से है। तो चलिए सबसे पहले बताइए कि यहाँ पे पी और एस में रिलेशन निकलेगा, पी यहाँ पे एस यहाँ, तो बिल्कुल निकलेगा, पी जो है बड़ा हो जाएगा एस से, क्योंकि यहाँ पे बड़ा या बराबर है, आपको मैंने पहले ही बताया कि दो नाव पे पैर रखेगा तो वह हारेगा, यहाँ पे कन्फर्म बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है, यानी पी जो है वो बड़ा है एस से, पी जो है वो बड़ा है एस से। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ बोला एस बड़ा है पी से, जो कि यहाँ पे ये गलत बोल रहा है, ये क्या है, गलत है, यानी एक नंबर गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड नंबर में किस में रिलेशन निकालना था, डी और एफ में रिलेशन निकालना है। देखिए एफ आपको यहाँ भी दिख रहा फ्रेंड्स, और आपको डी यहाँ पे दिख रहा। अब देखिए इन ये ग्रुप है तीन लेटर का, ये दूसरा ग्रुप है, तो इसमें कौन सा लेटर हम लोग कॉमन दिख रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का डी है, यहाँ पी है, और यहाँ टी है, तो इसमें हम लोग का और कुछ कॉमन है, हमको डी और एफ में रिलेशन निकालना है, डी और एफ में। तो देखिए डी आपको यहाँ भी दिख रहा है और एफ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं फ्रेंड। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी से इसको लिंकअप कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पी आपको दिख रहा है, यहाँ से पी, यहाँ पे भी आपको पी दिख रहा है, पी से एल से हम उसको लिंकअप कर देंगे, मतलब हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिए डी जो है वो बड़ा हो जाएगा आपका पी से, यहाँ पे दिया गया है, और पी जो है वह बड़ा है कन्फर्म किससे, एल से बड़ा है, एल से बड़ा है, और यहाँ पे एल जो है फ्रेंड्स, एल जो है वो बराबर है किसका है, एफ का, एल बराबर है एफ का, यहाँ पे लिखा गया कि एल जो है बराबर है एफ का। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे डी और एफ में क्या रिलेशन निकलेगा फ्रेंड, तो डी जो है वह कन्फर्म बड़ा हो जाएगा एफ से, चूंकि ये दोनों बराबर है, और इससे ये बड़ा है और इससे ये बड़ा है, मतलब डी कन्फर्म बड़ा है, मतलब ये कन्फर्म क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग थर्ड नंबर पे आते हैं, थर्ड नंबर में हमको लिखा गया जी और एस में रिलेशन निकालना है, जी और एस। देखिए जी आपको यहाँ दिख रहा फ्रेंड्स, और एस आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, जी और एस,
तो जी यहाँ पे है, एस यहाँ पे, दोनों में हम लोग कॉमन लेटर क्या है, एल है, दोनों में कॉमन लेटर क्या है, एल है, तो एल से उसको लिंकअप करेंगे। यहाँ पे हमको एल यहाँ पे है, एल यहाँ पे, जी और एस में रिलेशन निकालना। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको जी दिख रहा है, जी दिख रहा है, जी जो है वो बड़ा है किससे, पी से है। अब पी बड़ा है किससे फ्रेंड्स, ये एल से बड़ा है, एल से बड़ा, पी जो है वो एल से बड़ा है। और एल जो है फ्रेंड्स, ये एल जो है ये बड़ा या बराबर, एल बड़ा या बराबर किससे, एस से है। एल किससे बड़ा या बराबर है, एस से बड़ा या बराबर दिख रहा है। मतलब हमको अगर देखना है जी और एस में अगर रिलेशन निकालेंगे तो जी जो है वो कन्फर्म बड़ा हो जाएगा किससे, एस से, क्योंकि इन दोनों में जो कन्फर्म वैल्यू है वो जीतेगा, मतलब ग्रेटर देन, और इससे बड़ा ये है, मतलब जी जो है कन्फर्म बड़ा एस से होगा। मतलब सिर्फ दो नंबर और तीन नंबर सही होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या है, ये आपके आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा, ये जो ऑप्शंस आपके पास दिया गया है, यहाँ पे हम लोग एक्स है, डाइस है, एन है, डाइस है, ओ ग्रेटर एंड इक्वल टू एस है, डाइस है, पी है। यहाँ पे खाली जगह पे हम कौन कौन सा वैल्यू को पुट अप करेंगे फ्रेंड, जिससे हमको एक्स ग्रेटर देन एस होना चाहिए और एन ग्रेटर एंड इक्वल टू पी होना चाहिए। आपका ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है, आप इन सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर अगर 1 अगर लेते हैं, 1 नंबर अगर लेंगे तो 1 नंबर लेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम ग्रेटर एंड इक्वल टू रखते हैं, यहाँ अगर हम बराबर अगर रखते हैं, और यहाँ पे यदि अगर हम ग्रेटर देन रखते हैं, तो क्या मेरा यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन एस होगा। देखिए एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, और एस हमको यहाँ पे है, तो हम बोलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में ये साइन आएगा और इन दोनों फिर यही साइन आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का ये गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, इसको हटाने की जरूरत है। चलिए हम लोग सेकंड ऑप्शन नंबर इसको देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा गया, बराबर, यानी कि यहाँ पे बराबर रखते हैं, यहाँ पे हम लोग ग्रेटर एंड इक्वल टू दिया गया है, और यहाँ पे हम लोग का ये बराबर दिया गया। चलिए देखते हैं यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन एस, देखिए x यहाँ पे है और s यहाँ पे है, तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स इन दोनों में कौन सा साइन आएगा, यही आएगा, और इन दोनों में फिर यही आएगा, मतलब x ग्रेटर एंड इक्वल टू s हो रहा है। मतलब ये भी आपको, लेकिन यहाँ पे लाना क्या है, x बड़ा है s से, मतलब यहाँ पे ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, ये गलत हो गया, यानी कि ये भी नहीं होगा। चलिए हम लोग थर्ड ऑप्शन को यूज करते हैं, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे देखिए, इसको हमको इरेज करना पड़ेगा। चलिए थर्ड ऑप्शन यूज करते हैं, थर्ड ऑप्शन अगर हम इसको अगर देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया ग्रेटर देन है, यहाँ ग्रेटर एंड इक्वल टू है, और यहाँ पे हमको इक्वल टू दिया गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, और हम लोग का एस यहाँ पे, इन दोनों में ये साइन आएगा फ्रेंड्स, और इन दोनों में फिर हम लोग का ये ग्रेटर देन होगा। तो ग्रेटर देन किसको बता रहे, एक्स ग्रेटर देन है, एक्स ग्रेटर देन है एस, एक्स ग्रेटर देन एस, यानी कि ये मेरा सही हो गया। अब दूसरा भी सही होना चाहिए कि एन ग्रेटर एंड इक्वल टू पी होना चाहिए। देखिए P आपको यहाँ पे दिख रहा फ्रेंड्स, अरे N आपको यहाँ पे दिख रहा, तो बोल रहा कि N ग्रेटर एंड इक्वल टू P, ये भी सही है। देखिए इन दोनों में ये वाला सही होगा, इन दोनों में ये बड़ा होगा, और इन दोनों फिर दोनों सेम है, मतलब यही रहेगा। यानी किसको बड़ा या बराबर बता रहा है, N को बड़ा या बराबर बता रहा है, जो कि यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे भी N ग्रेटर एंड इक्वल टू P है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, सही सिमिलर है, जिसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया, हम लोग इक्वेशन दिया गया, ये मेरे पास इक्वेशन है, यहाँ पे देखिए आपका वाट लगा हुआ है, यहाँ पे आपका वाट लगा हुआ है, इन वाट की जगह पे कौन सा ऑप्शन को हम रखेंगे जिससे मेरा पी ग्रेटर देन क्यू होना चाहिए, पी जो है वह बड़ा होना चाहिए, किससे, क्यू से बड़ा होना चाहिए। चलिए हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो आपको ब्लैंक जो दिख रहा है, ये जो ब्लैंक दिख रहा है, वाट दिख रहा है, इसके जगह पे हम वैल्यू को पुट अप करके देखते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू को पुट अप करके देखते हैं यहाँ पे। चलिए हम सबसे पहला ऑप्शन रखेंगे फ्रेंड्स, एक नंबर, इसको अगर हम रखते हैं यहाँ पे, चलिए हम ये वाला साइन को रख दिए, और यहाँ पे जो वाट है यहाँ पे भी ये वाला साइन को रख दिए, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, हमको ये सही होना चाहिए, पी ग्रेटर देन क्यू आना चाहिए। तो चलिए अगर हम ये साइन को अगर रखते हैं फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे पी और क्यू में, देखिए आपका क्यू यहाँ पे है और आपका पी यहाँ पे है, तो पी और क्यू में अगर रिलेशन देखेंगे फ्रेंड, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका Q दिख रहा है, यहाँ पे आपका P दिख रहा है, देखिए इन दोनों में ये साइन आएगा, और इन दोनों में फिर यही साइन आएगा, और इन दोनों में फिर यही साइन आएगा, जो कि एक ही सिमिलर साइन है, मतलब यहाँ P ग्रेटर देन हो गया Q, मतलब ये हम लोग का सही हुआ, अब ये हम लोग का सही हो गया, P ग्रेटर देन Q हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर मेरा एक नंबर कन्फर्म सही हो गया, तो आगे देखने की जरूरत नहीं।
तो फ्रेंड्स इस तरह का क्वेश्चन जो पहले बैंकिंग में पूछी जाती थी, लेकिन अब इसका रेलवे एंड एसएससी में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा योगदान रह रहा है ऐसे क्वेश्चंस का जो कि हम लोग का पूछा जा रहा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने इन वीडियोस को अच्छी तरीके से देखे होंगे, समझे होंगे। कमेंट में आप ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट वीडियो में अगला हम लोग मिलते हैं पार्ट टू को लेकर के। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।